हमेशा मैं कहता हूं कि मैं जो इसका की पॉइंट होता है हमेशा लास्ट में देता हूं, हमेशा। मैं कभी भी ना तो स्टार्टिंग में देता हूं ना मिडिल में देता हूं, हमेशा लास्ट में देता हूं। इसलिए कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, ये तो बड़ा है, क्या बीए कर लें, बीएससी कर लें या बीकॉम कर लें। अब तीनों अच्छा है, तीनों में किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, तीनों अच्छा है। लेकिन अब आपका ऊपर जो है बना हुआ जो ड्रीम है वो क्या है, क्या आपको इंजीनियरिंग करना है? अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको बीएससी करना होगा। अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तब आपको बीकॉम करना है। अगर आपको सीए करना है, सॉरी, अगर पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपको बीए करना होगा। अगर आपको सीए करना है तो बीकॉम करना है, ये तो क्लियर है। और अब तो कंफर्म हो गया कि हमें पीसीएस अधिकारी बनना, तो चर्चा सीधा इसी पे होगा कि बीए किया जाए, तो ये तो अच्छी बात है सर, आपने बता दिया बीए किया जाए। अब बीए में सब्जेक्ट कौन सा रखा जाए जो मेरा आगे चल के ऑप्शनल पेपर बन जाए, ध्यान रखिएगा ऑप्शनल पेपर, ऑप्शन पेपर। यानी कि ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा बीए पे, कि बीए में कौन सा पेपर रखा जाए जो आगे चल के जब अधिकारी आप बनिएगा उससे पहले जो तैयारी होगा उसके कैसे पीछे, तो वो तैयारी में आपका ऑप्शनल पेपर आएगा, जीएस के साथ में ऑप्शन। तो अभी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले लें जो वहां हमें हेल्प मिल जाए। अब आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही ऑप्शन है। मैं मानता हूं कि अगर वैकल्पिक विषय लिया जाए यानी कि ऑप्शनल पेपर लिया जाए तो यही लीजिए, यह आपके ऊपर चॉइस है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मेरे ऊपर नहीं है, कुछ थोड़ा अपना भी इसको यूज कीजिएगा, सब कुछ मेरा ही कीजिएगा, क्योंकि मुझ में ब्लेम ब्लाइंड फेथ करने से बेहतर होगा कि थोड़ा सा आप भी इसको यूज कीजिए। अगर ये सही तरीके से है और आप ब्लाइंड फेथ करते हैं तो आप कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकते, और पूरी तरीके से हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ होगा, और थोड़ा सा भी गलती से मैं गलती कर दूंगा तो फिर आपका जो है फेथ हमसे चला जाएगा। अब देखिए इसको लेने के लिए मैं क्यों कहा, ज्योग्राफी लीजिए, इकोनॉमी लीजिए, पॉलिटी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए या फिर साइंस पार्ट लीजिए, आखिर क्यों नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप हिंदी लिटरेचर लीजिए, आखिर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं सोशियोलॉजी लीजिए, फिलोसफी लीजिए, बहुत सारे पेपर है जो लीजिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस लीजिएगा तो ये आपका प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा, तो बेहतर है ये पेपर लिया जाए। फिर इस पेपर में क्यों नीचे वाले पेपर में लिया जाए जो सिर्फ ऑप्शन में ही काम किया जाए, कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि दोनों में काम किया जाए, यानी कि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब आपके ऊपर दिमाग लगाना होगा और आपको सोचना होगा कि ज्योग्राफी लिया जाए, इकोनॉमी लिया जाए, पॉलिटी लिया जाए, हिस्ट्री लिया जाए या साइंस लिया जाए, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अब यहां के बाद मेरा खेल खत्म हो जाता, अब यहां के बाद आपका खेल शुरू होता। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा कि आप हिस्ट्री लीजिए, लेकिन एक मिनट सोचिए और सुनिए मेरी बात को। ज्योग्राफी के लिए अच्छे अच्छे टीचर मौजूद होते हैं, इसकी मटेरियल भी होती है, ये ले सकते हैं आप। इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ी सी हार्ड होती है, इसकी मटेरियल भी अच्छे तरीके से नहीं मिलती और उसके टीचर भी नहीं मिलते हैं बीपीएससी के लिए या किसी भी पीसीएस अधिकारी बनने के लिए। तो हमें क्या है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है, हमें कोई पंडित नहीं बनना, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें प्रॉपर रैंक लाना है और अधिकारी बनना है। तो अगर आपको अधिकारी बनना है तो हमेशा इसका यूज करना है, ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है जिससे कि फाइनल सिलेक्शन लेके यहां से चलते बने, क्योंकि हमें पंचवर्षीय योजना करना नहीं है, हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 साल देना है और 1 से 1.5 साल में कंप्लीट करने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, इससे ज्यादा की प्रोसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए इकोनॉमी में, इसको लेना थोड़ी सी मूर्खता है, बाकी आप ले सकते हैं, आप पूरी तरीके से आजाद है। अब आते हैं पॉलिटी, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, मजेदार सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी ले सकते हैं। पॉलिटी में ही आपका आएगा इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, इसको भी इंक्लूडिंग साथ में पढ़ना होगा, और ये प्रीलिम्स में भी काम कर जाएगा, मेंस में भी काम कर जाएगा और इंटरव्यू में भी काम कर जाएगा। तो पॉलिटी ले सकते हैं, इसके लिए टीचर भी अच्छे अच्छे अवेलेबल है और इसके अच्छे अच्छे मेटेरियल भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब आते हैं लॉट के हिस्ट्री,
हिस्ट्री जो है एक सलाह महान विषय है, ऑब्वियसली है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, थोड़ी सी तो बड़ाई करना बनता है, लेकिन ऐसे भी किसी से भी पूछेगा तो सबको यही बताएगा हिस्ट्री सबसे सदाबहार। इसमें क्या है, सदाबहार कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ नहीं बदलता है। 1857 की क्रांति अगर 1859 में पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा तो या तो मुझे पागल घोषित कर दिया जाएगा या तो मुझे अज्ञानी कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, जो घटना जिस वक्त हुई है वही घटना आपको पढ़ाना है, वही है हमारा हिस्ट्री, यानी कि बीते हुई घटना को फिर से अभी भविष्य में, यानी अतीत की घटना को फिर से वर्तमान में पढ़ाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला, मतलब जो है वही है। अगर एक बार अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लिए तो आपका लाइफ टाइम के लिए स्टोर है। इसलिए हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग है, और इसका जो गेम है आपका प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हर जगह अवेलेबल है, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, किसी भी पीसीएस में ले लीजिए, और इसके नोट्स भी अवेलेबल है, और कहीं भी हर संस्था में सब कुछ अवेलेबल है। जरूरी नहीं संस्था की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें नोट्स है। अब साइंस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम यह होती है अगर फिजिक्स लेते हैं तो इसके टीचर बहुत कम है, इसके नोट्स बहुत कम है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम है और बायो में भी वही प्रॉब्लम है। अब बाकी अब डिसाइड आपको करना है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, मुझे जो कहना था कह दिया। अब देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में हम आपके साथ में रहेंगे। ऑलरेडी इसका ग्रुप बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप लोग चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और वहां सिर्फ बेसिक के लिए जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा, मैं वहां जवाब दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री से यह फायदा होगा कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन लेंगे तो मैं आपके साथ में रहूंगा, और जो भी हेल्प होगा हम अपने तरीके से हेल्प करेंगे। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आप लेते हैं तो फिर मैं साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, ऑप्शनल पेपर का खेल है, और कोई भी टीचर एक ही ऑप्शन पढ़ाता है। एक वक्त था जब दो ऑप्शन होता था, अब वो दो ऑप्शन समाप्त हो गया, अब सिर्फ एक ऑप्शनल है। तो बेहतर होगा कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ले सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो, जबरदस्ती गलती से भी नहीं करना कि नहीं सुजीत सर हेल्प कर रहे हैं तो चलो हिस्ट्री ले लेते हैं, तो ये गलत है। ये तब लेना है जब आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, ना तो उतने पैसे हैं जो बड़े शहरों में आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी है और यहां फंसने का कोई चांस भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां के बाद ऑप्शन, ऑप्शन क्लियर हो गया होगा सबका कि हाँ क्या करना है, क्योंकि ये टेंथ के बाद की कहानी है, पूरे तरीके से समझिएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन शानदार बनेगी, जो इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी YouTube पे कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है कि तैयारी किस माध्यम से किया जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे सब्जेक्ट भी, पेपर कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, फिर उसमें ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए, जीएस वाला पेपर में, फिर इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाए, सारी बातें भी चलने वाली है, लेकिन सबसे पहले कौन से माध्यम से पढ़ा जाए सर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आपको बनाते हुए जाना, चाहू तो डायरेक्ट बताते जाओ जिससे बोर हो जाइएगा। इंटरेस्ट बात कि कौन से लैंग्वेज से किया जाए, लैंग्वेज दो है आपके पास में ऑप्शन, लैंग्वेज आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हिंदी और दूसरा जो है इंग्लिश। अब आपके पास दो चॉइस है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और थोड़ी सी एक ह्यूमर है और सच भी कुछ लगता है हमें, ह्यूमर की ओर सच भी है कि आजकल जो है इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट ज्यादा आता हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाले हमसे ज्यादा अच्छा से पढ़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले टू द पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला आयोग है वो इंग्लिश मीडियम को चाहता अंदर करना और हिंदी वाले को बाहर, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये मैं भी दावे के साथ में कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, YouTube में वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है लेकिन सच्चाई यही है। अब इस दोनों मीडियम में आपको यह सोचना कि कौन सा मीडियम लें जिससे आसानी से आपको क्या करें कंफर्ट जोन में रह सके, आसानी से समझ सके, आसानी से बोल सके और आसानी से उसको देख सके, समझ सके, बोल सके और किसी से भी जो है कन्वर्सेशन कर सके, तो वही लैंग्वेज अच्छा है। अगर इंग्लिश ले लिए और आप सोच रहे हैं कि सर इंग्लिश ले लेते हैं, बहुत ही से मुझे कमेंट आता सर इंग्लिश नहीं लेते हैं, उसके बाद में कहीं ट्यूशन पकड़ लेंगे वहां से मेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है और हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों भाषा है और भाषा पढ़ने से नहीं आता कभी भी, भाषा बोलने से आता है। और अगर आप बिहार में है, यूपी में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पे आप सोचिएगा कि कहीं किसी संस्था में पढ़ के हम इंग्लिश में स्ट्रोंग हो जाएंगे, तो ये गलत है। सिर्फ यहां पे एक ह्यूमर है, एक अंधविश्वास है, इसके लिए भाषा है, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस आनी चाहिए, वैसा माहौल में रहना होगा तभी आपको इंग्लिश आएगा,
अदरवाइज इंग्लिश लेके कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंग्लिश में ही फंसते रह गए और पता चला अधिकारी तुम बने नहीं, ना तो जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग हो पाया ना तो ऑप्शन पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग हो पाया और फाइनली क्या होगा कि एस और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश को पढ़िए, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़िए और जिसमें आपको कंफर्ट फील हो वही वाले सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, इंग्लिश तो इंग्लिश और हिंदी तो हिंदी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये मेरा विषय नहीं है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है सर बुक कौन सा पढ़े, पहले बुक का भी थोड़ा चर्चा हो जाए कि कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि बुक भी जो है बहुत बड़ा हाथ होता है आपको फेल्यूर में, मतलब कि आपको अनसक्सेस करने में बुक का भी सबसे बड़ा हाथ होता है, आसानी से आपको फेल कर देगा अगर बुक गलत तरीके से है। अब बुक को पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या डायरेक्ट बुक लिस्ट लिख दूं तो इसे हो जाएगा सॉल्यूशन, नहीं होगा सॉल्यूशन, ये मैं चाहता हूं कि आप चूज करो, मैं ना बताऊं, मैं तो बताऊंगा ही, जब आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो मैं तो बताऊंगा ही और इसका वीडियो ऑलरेडी बना कर दिया हूं, वहां जाके देखिएगा, यहां वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको छोड़ो। बुक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर बुक लेना तो सबसे पहले जो है सिलेबस, सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस दोनों को आपको क्या करना होगा, खंगालना होगा, खंगालने का मतलब हुआ उठाकर पीना होगा, पीने का मतलब होगा एकदम कंठाग्र करना होगा, याद करना होगा, यानी कि हर बार जब आप सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ रहे हैं हर बार आपको सिलेबस पढ़ना होगा, मतलब सिलेबस का एक एक पॉइंट जो है आपके दिमाग के अंदर याद हो जाना चाहिए, न पेपर में न दीवार में न कॉपी में न घर में, दिमाग में होना चाहिए सिलेबस, तभी आप अधिकारी बनेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है कि आपकी मंजिल कहां है, अगर ये सही से नहीं होगा तो आपका मंजिल बेगाना हो जाएगा जी, लगेगा कि हमारा ड्रीम है कि एसडीएम बनूंगा लेकिन आप एसडीएम बन नहीं पाएगा क्योंकि आपकी मंजिल पता ही नहीं है कि रास्ता कहां जाएगा, यही रास्ता है सिलेबस, इसीलिए सिलेबस को पूरी तरीके से खंगालिए, खूब खंगालिए, इतना खंगालिए इतना खंगालिए कि सिलेबस आपके दिमाग के अंदर याद हो जाए, तो पहला काम सिलेबस को याद करना, सिलेबस जब याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रास्ता है जो हमें पीसीएस अधिकारी बनाएगा, उसके बाद जब ये रास्ता पता चल जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, खंगालना है, यानी कि कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को, इसलिए कर रहा हूं ऐसे 5 साल भी सफिशियंट है लेकिन 10 साल इसलिए कहता हूं क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन को अगर आप एक बार में खंगाल लिए तो 50% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है, 50 हो या ना हो आप लोग के टाइम आते थे 40 तो जरूर, तो इसीलिए कल जो खंगाला जाए बेहतर आज ही खंगाल है, तो 5 साल का जो खंगाल है बेहतर 10 साल का खंगाल लेते हैं, तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालिए और देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उस साल कहीं कहीं वो चर्चा में जरूर रहा होगा, कहीं कहीं आयोग की नजर में जरूर रहा होगा, तभी वो क्वेश्चन आए, ये कब पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आयोग के लिए बड़ा फेवरेट है, उस टॉपिक को आसानी से पकड़ सकते हैं और ये काम करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों जब क्लियर हो जाएगा तब आप आसानी से, हमारी जरूरत ना पड़ेगी, बुक स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन अभी कह रहा हूं अगर फिर भी क्लियर कुछ स्टूडेंट को नहीं हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की बुक, और कितने ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम अपने मतलब स्टेट वाला बुक नहीं पढ़ सकते, ना जी मत पढ़ो, क्योंकि मैंने इसके लिए भी बताया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाए, उसका भी हम लिंक आपको देंगे, जब आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा ना तो उसका भी लिंक हम देंगे और बताएंगे कि क्यों ना पढ़ा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इसीलिए आयोग पढ़वाता है क्योंकि एक तो बेसिक क्लियर होता है और दूसरा एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तो कोशिश करता उसी से क्वेश्चन उठाने का, प्रीलिम्स हो या मेंस हो दोनों क्वेश्चन उसी सुधा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन यहां वो चर्चा नहीं कर रहा, तो बेहतर होगा कि अभी कोई भी बुक खरीदने से बेहतर है कि आपकी एनसीईआरटी 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट का, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सारे बुक का आपको खरीदना होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बाकी कोई किताब अभी अपने मन से कम कुछ भी नहीं खरीदना, अगर आप हम पे एतवार करते हैं तो एक भी बुक नहीं खरीदना, सारा बुक मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वही आपको खरीदना है, अगर वाकई में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है पीसीएस अधिकारी बनना, तो एक तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर हुआ, अब एक क्वेश्चन था सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है, कोई भी मकान आप बना रहे हैं तो क्या उसका फाउंडेशन ही कीजिएगा क्या, बिना फाउंडेशन का मकान बना दीजिएगा, और अगर मकान बन भी गया और अगर गलती से भी
कहीं कोई तूफान आ गया, कोई हवा आ गया या हल्की सी भी धरती हिल गई तो फिर वो मकान कहां जाएगा? वो सामने वाले पे गिरेगा, खुद मरोगे तो मरोगे, दूसरे को भी ले डूबोगे। तो ऐसी कंडीशन में उसका फाउंडेशन बनना जरूरी है। तो वही कंडीशन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं और अगर कोई आपको पढ़वा रहा तो कहीं कहीं आप फेल होने की तैयारी कर चुके हैं। फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का जो ख्वाब अंदर में है ना, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी पूरा नहीं हो पाएगा। सच्ची बताता हूं और दिल से बता रहा हूं, यकीन करो। टाइम लगे तो लगे, 5 साल वेट करने से बेहतर है 2 साल समय दे देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? सक्सेस होने का नाम है समय बिताने से, और अनसक्सेस होकर घर जाने से बेहतर है ना 1 साल और एक्स्ट्रा देके प्रॉपर एसडीएम बन के जाए अपने घर। बाकी आपकी चॉइस है।